काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहा फ्राइडे का, और सनमार्क का दिन कैसा होने वाला है इस पर अपन बात करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो फ्राइडे के सत्र में क्या हुआ आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हम खुले 19,750 पे, फिर हम ऊपर भी गए, लगा ऐसा कि मार्केट सस्टेन करेगा, 19,786 तक गए, लेकिन वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला और एक डब्लू पैटर्न भी देखने को मिला, लेकिन ऊपर भी आए हम और 19,786 तक फिर पहुँचे, लेकिन ये रिकवरी टिकी नहीं और फिर डाउनफॉल का दौर चालू हुआ, ये 19,681 पर ले गया। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और कौन सा किया, इंडसइंड बैंक ने सपोर्ट किया, मारुति, SBI, महिंद्रा, एशियन पेंट ने सपोर्ट किया, और जो सपोर्ट नहीं किए टॉप में वो थे विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, विपवेल, सिप्ला, बजाज ऑटो, ये सारे सेक्टर्स थे जो सपोर्ट नहीं किए। अब सोमवार के सत्र में क्या होने वाला है, क्या ट्रेड सेटअप बैठता है, ये सब बिंदुओं पे अपन डिस्कस करेंगे। ये देखिए निफ्टी का हम एक चार्ट निकाले हैं, किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है और किस तरह से मार्केट गिरने का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 19,676 पे हम बंद हुए और ये कितना बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, ये देखिए पहला सपोर्ट ये जो लिया है, एक बार, दो बार, ये दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस बहुत बार रहा है। रेजिस्टेंस कितना बार रहा है यहाँ देखिए, एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस रहा है, फिर इधर सपोर्ट लिया है कितना बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः बार सपोर्ट, छः बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे क्या रिवर्सल आएगी, क्या ये सपोर्ट ले लेगा, यहाँ से मार्केट क्या अप जाएगी, या फिर इस लेवल को भी तोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है इसका 19,522 का है यहाँ पे आएगा, या फिर इसके बाद जो कैंडल बनती है वो 19,493 का है यहाँ पे आएगा, या इसके बाद जो कैंडल बनती है 19,400 का इधर आएगी। तो अभी मार्केट में असमंजस है, लेकिन आप देखना होगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। तो तीन सिनेरियो होते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 19,800, जो फ्राइडे के क्लोजिंग का जो कैंडल है इसका वीक जो है और शैडो, ये शैडो के ऊपर अगर हम ओपन हो जाते हैं 19,805 पे, तो पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन मिलता है सस्टेन करता है तो 19,800 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, अदरवाइज फिर हम 19,600 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे जो मुनाफा दे सकती है। दूसरा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है, फ्लैट यानी 19,676 पे हो जाती है, तब पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन बनता है तब हम 19,700 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, अदरवाइज अगर रेड मिल जाता है तुरंत गैप अप ओपनिंग होने के बाद तब हम 19,600 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे, एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज गैप डाउन अगर हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे होगी, गैप डाउन अगर इस कैंडल के नीचे हो जाती है 19,626 या यहाँ पे हो जाती है 19,595, तब हम पहला 15 कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन मिलता है तब 19,600 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, अदरवाइज 19,500 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे अगर रेड कैंडल मिलता है तो। ये हुआ निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, रिवर्सल आ सकती है, इसका चांसेस देखिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत बार यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस करके टाइम पास कर चुका है, 12-15 ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा हो चुका है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन सेलर्स काफ़ी हावी हैं, तो सेलर्स कब बायर्स बन जाएं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बायर्स जो है सेलर को प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, यहाँ जो बेचे होंगे यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना कभी भी चाहेंगे तो शॉर्ट कवरिंग कभी भी आ सकती है इस मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देखिए 44,612 पे बंद हुए हैं, अब 44,612 काफ़ी क्रूशियल लेवल है, कितना बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिए हैं, यहाँ सपोर्ट लिए हैं दो बार, तो एक, दो, तीन, यहाँ पे देखिए बहुत बार रेजिस्टेंस लिए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
ये रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन सपोर्ट भी इधर काम किया बहुत दिनों तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ट्रेडिंग सेशन से ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस भी लिया है। तो क्या ये 12 ट्रेडिंग सेशंस का फिर बात दोहराएगी या यहाँ से फिर गिरावट होगी, और गिरावट होगी कहाँ तक होगी? गिरावट नेक्स्ट लेवल तक देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल है 44,380, फिर उसके जो नीचे लेवल है 44,228, तो काफ़ी जो है वीक है बैंक निफ्टी, नो डाउट। इस पर सेलर्स काफ़ी हावी हैं, देखिए गैप डाउन हो रही है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या कर सकते हैं? गैप अप ओपनिंग होने पे 45,000 के अगर ऊपर ओपन हो जाते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर वो सस्टेन करती है तब तो 45,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, अदरवाइज 45,000 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे। अगर सस्टेन नहीं करती है तो हमें एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है? 44,552 पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन मिलता है तब 44,500 के कॉल ऑप्शन पे बैठेंगे, फिर अगर नहीं मिलती है तो हम 44,500 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे, तो मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है? फ्लैट कहाँ पे होगी? 44,612 पे ही अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे, अगर ग्रीन मिलता है तब 44,000 यानी 45,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, अदरवाइज 44,600 के पुट ऑप्शन पे बैठेंगे। अगर रेड कैंडल मिलता है तो फिर हम एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू। अमेरिकन मार्केट का हाल जान लेते हैं। अमेरिकन मार्केट से ही अपना ग्लोबल मार्केट चलता है। तो देखिए डॉ जोन्स गिरा हुआ है, इन गिफ्ट निफ्टी भी गिरा हुआ है, मेजर इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो काफ़ी नेगेटिव, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है। तो यहाँ से सपोर्ट मार्केट में नहीं मिल रहा है। अब चारों तरफ देखिए रेड 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 नज़र आ रहा है। निफ्टी का बात करिए, बिक्स का बात करिए, डॉ जोन्स का बात करिए, या फिर S&P, नेस्डेक, चारों तरफ गिरावट का ही दौर जारी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और कैसे ट्रेड सेटअप बैठता है और कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।